बीजेपी को एक चंपई सोरेन के सीट छोड़ करके एक सीट अभी तक नहीं मिला आदिवासियों को। यहाँ पर मुसलमानों के बारे में जुल्हा कोल्हा भाई भाई कहा जाता है। इतना बहुमत और इतना कॉन्फिडेंस और समर्थन शायद ही किसी राज्य में किसी सरकार को मिला। यहाँ पर सबसे ज्यादा घिनौना कैंपेन हुआ, बटोगे तो कटोगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में जश्न का माहौल बना हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है, ये कांग्रेस का कार्यालय है। हम इससे पहले जो है जेएमएम का कार्यालय का दृश्य दिखाए थे, तो वही कांग्रेस का कार्यालय है और कांग्रेस कार्यालय में जो है जश्न का माहौल जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर पटाखे फोड़ कर जो है एक दिवाली की तरह ये जश्न का माहौल मनाया है। और वहीं कांग्रेस ऑफिस में एक मतलब नज़ारा जो है खुशी का माहौल था। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है तो एक तरफ बीजेपी में सन्नाटा पसर गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो खुशी देखी जा रही है। वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जीत जो है आने वाला दिन जो है एक नया अध्याय लिखेगा। और वहीं सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो है यहाँ जनता उसको नकार चुकी है। तो सुबोधकांत सहाय क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं और जो जीत का जश्न जिस तरह से मनाया गया वो आपको हम दिखाते हैं। निश्चित तौर पे ये जीत से ज़्यादा स्वीप किया है एक तरह से पूरे झारखंड को राजनीतिक तौर पे। अगर आप देखिए तो बीजेपी को एक चंपई सोरेन के सीट छोड़ करके एक सीट अभी तक नहीं मिला आदिवासियों का, ये बड़ी बात है। बाबूलाल मरांडी भी जो कोई लड़े आदिवासी सीट से नहीं, जनरल सीट से वो लड़े एक चंपई। तो एक तो ये पहली बार, पिछली बार में दो मिला था, इस बार एक मिला है भाई बोरो प्लेयर चंपेश्वर। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि उपलब्धि के आधार पे इतना बहुमत और इतना कॉन्फिडेंस और समर्थन शायद ही किसी राज्य में किसी सरकार को मिला होगा। ये गिनती की ही सरकार खाली नहीं जीते हैं, इससे बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज जो गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घिनौना कैंपेन हुआ, बटोगे तो कटोगे तो ये और वो और बांग्लादेशी और घुसपैठी, प्रधानमंत्री से लेकर के एक एक को चुन के निकालेंगे, ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज में यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बयान अपना कैंपेन किया था। उसको यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट किया है। और किन लोगों ने रिजेक्ट किया? आदिवासी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, दलित, माइनॉरिटीज, यहाँ पर मुसलमानों के बारे में जुल्हा कोल्हा भाई भाई कहा जाता है क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकली दे आर ऑल्सो लाइक ए ट्राइबल। तो ऐसे सारे परिवेश में एक नया मैसेज दिया है झारखंड ने कि मोदी जी का जो बंटवारे की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, वो यहाँ रिजेक्ट हो सकता है और हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाते लोग दिखे हैं और वही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय जो है क्या कहते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से जो है इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद जो है कांग्रेसी भी उत्साहित है, इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो जीएन भारत के लिए रांची से मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।